हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल वंदनास क्रिएशन। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके आप लोगों के साथ। आज का मेरा वीडियो है स्किन केयर के ऊपर। घरेलू नुस्खे से मैं आज आप स्किन केयर वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, कैसे घर में ही आप स्किन को केयर कर सकते हैं। उसके लिए मैं आज एक फेस स्क्रब शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो साथ रहिए वीडियो के अंत तक। आज मैं जो फेस स्क्रब दिखाऊंगी वो है मैंगो फेस स्क्रब। मैंगो फेस स्क्रब के लिए मैंने जो चावल का आटा यूज कर रही हूँ, वो चावल का आटा घर में ही बनाए हैं मैंने, और उसे एक साल तक मैंने स्टोर करके रखे हैं। वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे है तो ऊपर में दिए हुए आई बटन में क्लिक कीजिए और वीडियो को जरूर देखिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं फेस स्क्रब। फेस स्क्रब अप्लाई करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस चैनल से आपको मिलेगा हेयर केयर, स्किन केयर, नेल केयर, होम रेमेडीज, मेकअप ट्यूटोरियल, आई मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप टेक्निक्स, हेयर स्टाइल और भी बहुत कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए रेडी करते हैं मैंगो फेस स्क्रब। बहुत इजी प्रोसेस से मैं मैंगो स्क्रब तैयार करूंगी। उसके लिए दो ही चीज चाहिए, एक है पका हुआ आम और दूसरा है चावल का आटा। बस यही दो ही चीज से मैंगो स्क्रब बनाऊंगी। अब आम को काट लेंगे, हाफ इनफ है मैंगो स्क्रब के लिए। चम्मच से इसका पल्प निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। स्किन ब्राइटनिंग के लिए आम बहुत अच्छा और फायदेमंद माना जाता है। अब हाथों से आम को स्मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी स्मैश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाथ से स्मैश कर रही हूँ। इस फेस स्क्रब को आप फुल बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फुल बॉडी में अप्लाई करना है तो एक पूरा आम को मिक्सी में स्मैश कर लीजिए। ये मैंगो स्क्रब ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, लेकिन ऑल स्किन टाइप भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमको क्रीम फॉर्म में करना है। उसके लिए आम में मैं मिला रही हूँ चावल का आटा। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे क्रीम फॉर्म में नहीं हुआ है तो मैं और चावल का आटा लूँगी क्रीम फॉर्म में लाने के लिए। आपको राइस फ्लावर और मैंगो पल्प को अच्छे से मिक्स करके क्रीम फॉर्म में लाके फिर आपको अप्लाई करना है। अब ये क्रीम फॉर्म में हो गया है। इस फेस पैक को आप एक दिन फ्रिज में स्टोर करके भी यूज कर सकते हैं। इस फेस स्क्रब को आप आईज और लिप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। लिप्स में जो भी काला धब्बा होता है वो भी इससे रिमूव होगा। मेरा फेस पैक अप्लाई हो गया है। अब मैं इसे 5 से 6 मिनट तक रखूंगी। उसके बाद हल्के हाथों से मसाज करके मैं नॉर्मल वाटर से मैं धो लूंगी। आप चाहे तो वार्म वाटर से भी धो सकते हैं फेस को। फेस स्क्रब धोने के बाद आप टोनर यूज कीजिए, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। आप अपना स्किन टाइप के हिसाब से टोनर और मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। स्किन केयर का और भी वीडियो चैनल में है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, या फिर देखने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं हल्के हाथों से इसको रब करूंगी। इसी तरीके से ताकि मेरा जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है वो भी रिमूव हो जाए, मेरा स्किन का जो डेड सेल है वो भी रिमूव हो जाए, क्योंकि स्क्रबिंग का मेन पर्पस ही जो होता है वो है स्किन में डेड सेल रिमूव होना। तो ऐसे हल्के हाथों से रब करेंगे तो स्किन में जो डेड सेल का परत जमी रहती है वो मेरा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग का बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं, तो सर्कुलर मोशन से हम लोग यहाँ पे हल्के हाथों से रब करते हैं। इस एरिया में बहुत ज्यादा टैन या फिर पैचेस रहते हैं, इस एरिया में बहुत ज्यादा टैन और पैचेस रहते हैं, तो हम लोग रब करेंगे इस एरिया में धोते टाइम। 5 से 6 मिनट के रखने के बाद जब फेस को हम लोग को धोना है तब ये प्रोसेस करेंगे। स्क्रबर आप डेली नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर डेली यूज करेंगे स्क्रबर तो स्किन से जो नेचुरल ऑयल निकलते हैं वो रिमूव हो जाएगा, तो स्किन में जो मॉइस्चर लेवल है वो कम हो जाएगा, तो आपको डेली नहीं यूज करना है। आप वीकली 1 to 2 डे यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको प्रेशर देके भी स्क्रबर नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जो मोटा दाना रहता है स्क्रबिंग में उससे स्किन में स्क्रैच हो जाता है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। हल्के हाथों से आपको रब करते हुए स्क्रबिंग करना है। इसी तरीके से अगर आप स्क्रबिंग यूज करेंगे हफ्ता में 1 से 2 बार तो आपका ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स का बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये स्क्रबर यूज करने से आपका स्किन बहुत ब्राइट हो जाएगा, स्किन से टैन हट जाता है, स्किन से डेड सेल हट जाता है, स्पॉट भी हट जाता है, इसीलिए स्किन में ब्राइटनेस आ जाते हैं। मैंने मैंगो फेशियल का पूरा फेशियल स्टेप उसमें आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। 2 से 3 मिनट रबिंग के बाद आप नॉर्मल वाटर से इसे धो लेंगे, आप चाहे तो गुनगुने पानी से भी धो सकते हैं। अब मैं इसे पानी से धो लूंगी, उसके बाद मैं टोनर और मॉइस्चराइजर यूज करूंगी। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।